અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય તેમજ સીઆરપીએફ કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સની મહિલા બાઇકર્સની ટુકડી યશસ્વીનીનું નર્મદા જિલ્લામાં નાંદોદના ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित महिला सशक्तिकरण अंगे जागरूकता फैलावती आ बाइक रेली ने धारासभ्य शुभेच्छाओं पाठवी थी। अत्र उल्लेखनीय छे कि कन्याकुमारी थी शुरू थयेली महिला बाइकर्स टीम यशस्विनी ने धारासभ्य डॉक्टर देशमुख तेमज नांदोद तालुका पंचायत प्रमुख वनिताबेन वसावा अने जिला महिला अने बाळ विकास अधिकारी जेबी परमारनी उपस्थिति में वाहली डिक्रीना हुकम वितरण करवामां आव्यो हतो। देशनी प्रत्येक महिलाना सामर्थ्यने प्रोत्साहित करवा माटे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना मार्गदर्शन अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना कुशल नेतृत्ववाळी राज्य सरकारे अनेक विविध योजनाओ थकी महिलाओने पगभर बनावी आत्मनिर्भर गुजरात थकी आत्मनिर्भर भारत तरफ अग्रेसर बन्यु छे। त्यारे सीआरपीएफ महिला बाइकर्सनी टीम द्वारा महिला सशक्तिकरणनो संदेशो फैलावती आ रेली महिला शक्तिने चिंतित करी रही छे। सीआरपीएफ को विश्व की सबसे बड़ी अर्ध सैनिक बल होने का गर्व तो प्राप्त है ही, लेकिन दुनिया की पहली महिला बटालियन का गठन भी हमने किया। इन सालों के बाद अब एक महिला मोटरसाइकिल रैली में एकता, समरसता और समावेश का मैसेज लेकर के हम 5 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से चले। राज्य अने राष्ट्र कक्षाए रमत क्षेत्र सिद्धि मेळवेल नर्मदा जिल्लानी गौरववंती दीकरीओ ने पण आ प्रसंगे सन्मानित अने प्रोत्साहित करवामां आव्या हता। जेमा बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी नी विद्यार्थिनीओए आदिजाति संस्कृति नी झांकी थी परिचित करावतु आदिवासी नृत्य ना प्रस्तुत कर्यो हतु अने आदिवासी संस्कृति अने शक्ति ना दर्शन कराव्या हता।